सब्सक्राइब करें टेक्निकल सूरज को और दबाए बेल आइकन और पाए हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के एक बहुत ही कमाल की सेटिंग करके आपको बताने वाला हूँ, जिसे आपको यूज़ करना ही चाहिए, नहीं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब गाइज ये सेटिंग क्या है, क्या काम करते हो और आप इसको कैसे यूज़ करोगे, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज। गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी व्हाट्सएप वाली एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको सर्च बार में लिख देना है व्हाट्सएप। तो आप जैसे ही व्हाट्सएप लिख देंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी आपकी व्हाट्सएप वाली। उसके बाद अगर आपका यहाँ ओपन के बजाय अपडेट लिखा हुआ आ रहा है तो सिंपली इसको कर लेना है अपडेट और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है सिंपली ओपन। अब यहाँ पे जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको जो है सेटिंग में बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो चैट है वो आपके अलावा और कोई तो नहीं पढ़ रहा है, इससे आपको ये 100% पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक चैट सेलेक्ट करनी है और उसका जो इमेज होती है वो सिंपल उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक आई बटन मिल जाएगा, तो सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रिप्शन, तो इंक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके दोस्त का जो चैट आईडी होती है उसका एक क्यूआर कोड देखने को मिल रहा होगा और नीचे आपको कुछ कोड्स देखने को मिल रहे होंगे। अब गाइज करना क्या है, अब आपको अपने दोस्त के पास जाना है, या तो आप अगर उसका फ़ोन आपके पास में है तो यहाँ पे उसका इस क्यूआर कोड को सिंपली कर लेना है स्कैन। तो यहाँ पे आपके क्यूआर कोड में एक चेक बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सिक्योरिटी और टाइट है और आपकी जो चैट है आपके दोस्त के अलावा और आपके अलावा कोई नहीं पढ़ रहा है। अगर यहाँ पे चेक नहीं आता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका जो चैट्स है वो आपके अलावा भी कोई और पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका दोस्त है बहुत ज़्यादा दूर और आप उसका फ़ोन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आप इसको शेयर करके भी पता लगा सकते हो, और नहीं तो आप ये जो नंबर है उस नंबर को मैच कर सकते हो अपने दोस्त की आईडी से। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा और आपकी जो सिक्योरिटी कहने के ज़्यादा सेफ हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको एक सेटिंग बता दिया। अब दूसरी सेटिंग है, यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, अब इससे आपको कर लेना है सिंपली ऑन। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर आपका दोस्त या आपके कोई भी बंदा नंबर चेंज करता है तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस बंदे ने अपना नंबर चेंज कर दिया है। तो उसके बाद क्या कर सकते हो आप, उसके जो नया नंबर है उसको अपडेट कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी व्हाट्सएप को दोबारा से यूज़ कर सकते हो चैटिंग के लिए। तो गाइज ये तो मैंने आपको दोनों सेटिंग आपको बता दिया है, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। सो नमस्कार, बाय बाय, सलामत रहें।